नमस्कार दोस्तों, आज हो गया है 8 सितंबर, गुरुवार का दिन है। आज पिछले 2 साल के आंकड़े वाले भाव हम देखेंगे कि आज ही के दिन पिछले 2 सालों 2020 में और 2021 में 8 सितंबर के दिन मंडियों में प्याज के क्या भाव हमें देखने को मिल रहे थे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अभी के ताज़ा भाव की। तो अभी के ताज़ा भाव सुपर जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्याज है वो 1200-1300 रुपये के आसपास मंडियों में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जानकारी हमें मिली कहाँ से दोस्तों। तो यह जानकारी मुझे अपने ही वीडियो के माध्यम से मिली है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। उनमें क्वालिटी अनुसार हमने भाव भी दिखाए 2020 में 2021 में, तो आपको उस आज ही के दिन के वह वीडियोज भी आप देख सकते हैं पिछले 2 साल के आंकड़े। तो आज अगर हम ट्रेंड को देखें दोस्तों, तो पिछले 2 साल से आज ही के दिन ट्रेंड नीचे ही और आ रहा है, ट्रेंड बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे 2020 में आज ही के समय करीब 2200 रुपए के आसपास प्याज अच्छी क्वालिटी का बाजारों में देखने को मिल रहा था, तो करीब 900 से 1000 रुपए आज ही के दिन पिछले 2 साल पहले बाजार तेज देखने को मिल रहा था। तो करीब 1000 रुपए का डिफरेंस अभी बाजारों में प्याज के भाव में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2021 के, तो 2021 में भी 1400-1500 रुपए इस समय आज ही के दिन प्याज मंडियों में बिक रहा था, तो फिर भी आज के मुकाबले 200-300 रुपए ज्यादा ही था। पर वहां पे 2021 में एक चीज यह थी कि आज से करीब 2-3 दिन पहले वहां पे 2021 में प्याज 1700-1800 रुपए भी बिक रहा था। तो मतलब भाव उस समय अच्छे बने हुए थे बाजारों में, वो आज ही के दिन थोड़ा सा बाजार कम देखने को मिला था। तो दोनों वीडियोस आप अवश्य देखिएगा, 2020 का, 2021 का, आज ही के दिन का, तो आपको और भी पता लगेगा कि कैसे ट्रेंड नीचे की ओर जा रहा है। 2022 में थोड़ा आज के समय बहुत अच्छा, मतलब 2200 रुपये बहुत सही भाव होता है प्याज के हिसाब से, अगर किसानों को मिलता है तो एक एवरेज जिसमें मुनाफा हो जाता है, उसकी लागत निकल आती है। तो इस समय यह स्थिति बाजारों में देखने को मिल रही थी। 2020 में 2200 था इसी समय, फिर 2021 में इसी समय 1500-1600 रुपये के आसपास था, और आज की स्थिति देखिए। पर इन दोनों सालों में यह स्थिति थी कि मार्केट वहां भी 1200-1300 रुपये से स्टार्ट होकर बढ़ा ही था। यहाँ पे तो करीब 7 महीनों से यही स्थिति बाजार में देखने को मिल रही है, एक आध रुपये डाउन हो जाता है या एक आध रुपये ऊपर आ जाता है, बस इससे ज्यादा कोई पिछले 6-7 महीनों से यही स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे साथ साथ हम बात करते हैं लहसुन की भी, तो लहसुन का भी एक ऐसा ही वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम 2020, 2021 और आज के ताजा भाव, तो लहसुन के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। प्याज में तो फिर भी 1000 रुपये का डिफरेंस है। लहसुन के भाव अवश्य देखिएगा, कल 3 बजे इसी समय इस चैनल पे वीडियो आएगा। साथ साथ एक और चीज, अगर आप नए हो तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सटीक जानकारी आप सभी लोगों के लिए हम लेके आते हैं। साथ साथ दोस्तों आज के भाव बता रहा हूँ, नहीं तो आप 2-4 दिन बाद देखे, बहुत से किसान ऐसे होते कि अभी मान लो 1200-1300, 5 दिन बाद प्याज मान लो 2000 हो गए, तो किसान बोलेंगे अरे ये क्या गलत भाव बताते। आज ही के दिन है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के ताजा भाव है, 8 सितंबर 2022 का दिन है, तो दोस्तों देखिएगा अवश्य। बाकी और भी कोई जानकारी सामने निकल के आती है तो आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूले, लिंक दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।